पर हैं। शांतिलाल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए, बताइए। बस टाटा टेक्नोलॉजी के लिए था। ओके, कितना समय देना चाहेंगे? समय तो दे देंगे, अच्छा रिटर्न आने के लिए कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। अच्छा रिटर्न आपको कैसे क्वांटिफाई करता है, कितना परसेंट आपके लिए अच्छा रिटर्न होगा? कम से कम 50 से 100% ही करता है। चलिए चलिए, तो रत्नेश इस रिटर्न एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कितना रुकने की सलाह आप देंगे इनको टाटा टेक में? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों नमस्कार। एक्चुअली टाटा टेक आप देखेंगे थोड़ा सा भी नया लिस्टिंग, तो मेरे पास में इतना ज्यादा चार्ट पर डेटा नहीं है। हालांकि इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो दिक्कत की बात नहीं है। इनकी खरीद थोड़ी सी इन्होंने लिस्टिंग पे शायद लिए 1200 रुपए के आसपास में इनकी खरीदी भाव दिखा रहा है, तो अभी भी बहुत ज्यादा ऐसा कोई नीचे नहीं इनके खरीदी भाव से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका नजरिया लंबा है। तो थोड़ा बहुत अगर इनके पास में निवेश के लिए और पैसा बचता है और थोड़ा सा किसी भी रीजन से टाटा टेक थोड़ा सा भी नीचे आता है तो उनको एवरेज करने की सलाह रहेगी। इनको अगर रुकना पड़ेगा मेरे हिसाब से एक, अगर इनको पैसा काफी जैसे डबल करना है, अगर इन्होंने बोला 50% 100% को टाटा टेक में कमाना है इनके इनके निवेश से, तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा समय इनको देना पड़ेगा इसके अंदर, साल दो साल कम से कम इसमें समय देना पड़ेगा इनको। ठीक है, 2 साल का समय देना पड़ेगा टाटा टेक में। हालांकि एक ज़बरदस्त हमने लिस्टिंग देखी टाटा टेक में, पैसे डबल से भी ज़्यादा हुए, अब तो कह सकते हैं कि ट्रिपल के आसपास हो गए होंगे, लेकिन अब थोड़ी सी स्थिरता के संकेत दे रहा है और स्थिरता ठीक है, बहुत तेज़ रफ्तार से लगातार भागना भी ये खतरे की